विषय पर विचारों की प्रस्तुति तो अदिति की है ही अच्छी, इससे भी बड़ी बात है वर्तनी की एक भी अशुद्धि नहीं। ऐसा प्रायः कम ही देखा जाता है कि सुलेख में विचारों की प्रस्तुति में तारतम्य हो और एक भी अशुद्धि ना हो। बच्चे वर्तनी की जो अशुद्धियां अक्सर करते हैं उसका एक कारण तो जल्दबाजी और लापरवाही होती ही है, पर दूसरा बड़ा कारण होता है कि उन्हें शुद्ध वर्तनी का पता ही नहीं होता, वे गलतियां दोहराते रहते हैं। ये कहने में संकोच क्यों करें कि कई बार हमें स्वयं भी किसी शब्द की सही वर्तनी के बारे में नहीं पता होता। वर्तनी के बारे में अगर कुछ मुख्य बातें समझ लें तो हम अपने विद्यार्थियों को सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। सही वर्तनी के संबंध में हम अध्यापकों को वर्तनी की अशुद्धियों की शिकायत बराबर बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि हर छात्र कुछ ज्यादा गलतियां नहीं करता? आप उनके बारे में जान लें और सतर्क होकर बच्चों को उसकी जानकारी दें। इनसे शीघ्र ही छुटकारा भी पाया जा सकता है, बच्चों का ध्यान भी इस ओर दिलवाया जा सकता है। हिंदी में स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह निर्धारित हैं और उन्हें व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जबकि अंग्रेजी में स्वर अलग से लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में लिखेंगे राग, पर अंग्रेजी में राग को रागा यानी र आ ग और अ लिखेंगे। यदि हिंदी को अंग्रेजी की भांति लिखा जाए तो चेहरों पे मुस्कान आ गई ना। उ और ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे। लेकिन र में ऊ की मात्रा नीचे न लगकर बीच में लगती है। र को ऊ से जोड़ें तो रु, और र को बड़ी ऊ से जोड़ें तो रू, रुपया और रूप। ऊ और ऊ का अंतर र के साथ भी करना चाहिए, लेकिन प्रायः इस अंतर को अनदेखा कर दिया जाता है। र के कुछ अलग अलग रूप और आकार भी हैं जिसकी सही जानकारी होना जरूरी है। र जब भी व्यंजन के पूर्व अर्थात पहले आता है तब वो जहाँ उच्चरित होता है उसके अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे कर्म, कर्म में र म के पहले आया है और क के बाद उच्चरित हो रहा है, अतः म पर रेफ के रूप में लगाया जाएगा। जैसे कि गर्म, स्वर्ग, वर्ष, तर्क, मर्म। यदि ऊपर कोई मात्रा हो तो रेफ का प्रयोग मात्रा के बाद होता है। वार्षिक, कार्तिक, कर्मों, सर्दियों। व्यंजन के बाद र का ये रूप पाई के नीचे लगाकर लिखते हैं। ग्राम, प्रेम, क्रम, भ्रम, स्रोत। त में मिलाकर लिखें तो त्र बनना चाहिए, लेकिन हिंदी में त्र का प्रयोग होता है। अस्त्र, शस्त्र, कृत्रिम, पत्र, सत्र। श के साथ जुड़ने पर श्र रूप में लिखा जाता है। श्रम, श्रेष्ठ, श्रोता। श में र और री का अंतर भी बच्चों को अवश्य बताना चाहिए। श का एक रूप ये भी है, उसमें जब र जुड़ता है तो बनता है श्र। श में जब री जुड़ता है तो वो बनता है श्री। लेकिन होता क्या है कि श्र में री को भी जोड़ देते हैं और वो शरी बन जाता है। बच्चों को इस बात से अवगत करवा दिया जाए कि श में री जोड़ें तो श्री होता है और र जोड़ें तो श्र होता है। श्रम, श्रृंगार। त वर्ग में र का प्रयोग वर्ण के नीचे इस रूप में होता है। ट्रेन, ड्रम। आपने देखा र एक
रूप अनेक, तो र के जुड़वा बहन भाइयों की ठीक से पहचान हो गई ना। अब बात आती है पंचम वर्ण और अनुस्वार की। कभी हम कंचन को अनुस्वार से लिखते हैं और कभी नासिक के व्यंजन से। प्रश्न उठता है कि मानक कौन सा है, जहां पंचम वर्ण और अनुस्वार में विकल्प रहे तो बिंदु से ही लिखना चाहिए। एक रूपता लाने के लिए, स्थान बचाने के लिए तथा अशुद्ध वर्तनी से बचने के लिए बिंदु ठीक ही नहीं मानक भी है। घंटा को अक्सर घ न टा लिखा जाता है। न और ण के उच्चारण में बहुत कम अंतर होने के कारण ऐसी गलती स्वाभाविक ही है, लेकिन इसका नियम समझ ले तो गड़बड़ी नहीं होगी। इसका नियम है कि जहाँ पर अनुस्वार नासिक्य व्यंजन का उच्चारण हो तथा उसके बाद वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण का प्रतिनिधित्व करेगा। हाँ, संबंध शब्द से इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स का अनुस्वार जहाँ उच्चरित होता है उसके बाद है ब, और ब पवर्ग का वर्ण है, इसलिए स का अनुस्वार पवर्ग के नासिक्य व्यंजन म के अनुरूप उच्चरित होगा। ब के ऊपर का बिंदु तवर्ग के पंचम वर्ण न के अनुसार उच्चरित होगा, इसलिए पहले म और बाद में न की ध्वनि का उच्चारण होगा। पहले न और बाद में म का उच्चारण करके देखें। संबंध है ना अजीब सा? हाँ, सही उच्चारण ही सहजता से होगा, लेकिन अब जहां विकल्प है वहां अनुस्वार का प्रयोग ही मानक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जहां केवल नासिक्य व्यंजन का ही प्रयोग होगा, जैसे पुण्य, कण्व, वांग्मय, कान्ह, साम्य आदि। कुछ शब्द ऐसे हैं जहां केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, जैसे संसार, संलग्न, वंश। तो देखा आपने, है तो छोटी सी बिंदी ही, पर उसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। माथे की बिंदी इधर उधर हुई तो हास्यास्पद हो ही जाती है ना। बिंदु का प्रयोग जहां उच्चरित होता है उसके पहले वर्ग की पाई के ऊपर या उसकी मात्रा के बाद लगाएं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग नई दिल्ली लिखते हैं तो कुछ नई दिल्ली। ऐसा क्यों? मानव हमेशा सरलीकरण की ओर दौड़ता है। एक रूपता के लिए स्वरों को स्वीकार कर लिया गया है। ठीक समझ रहे हैं ना आप? नए गए, नई को नए गए, नई जैसे भी लिखा जाता रहा है, लेकिन अब इन्हें स्वरों से ही लिखा जाना चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जिन शब्दों में यह ही मूल ध्वनि हो वहाँ स्वर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जैसे स्थाई, अव्ययी भाव, दायित्व। इनके लिए स्थाई, अव्ययी भाव, दायित्व लिखना अशुद्ध होगा। स्पष्ट है कि जहाँ शब्द का रूप बदलता है वहाँ स्वर का प्रयोग करना चाहिए, जैसे खाए जाए, खाई गई, और मूल ध्वनि के रूप में आता है तो य का प्रयोग ही होगा। आपने गौर किया है कि वधु में दीर्घ स्वर है, लेकिन वधुएं ह्रस्व स्वर से लिखा जाता है। कारण स्पष्ट है कि अंत में दीर्घ स्वर है, लेकिन उसके बाद कुछ जुड़ गया तो स्वाभाविक ही है कि अंतिम दीर्घ स्वर बीच में आने के कारण ह्रस्व स्वर जैसा उच्चरित होता है। इसलिए यदि शब्द के अंत में दीर्घ स्वर है और वचन, लिंग आदि के परिवर्तन से उसमें कुछ जुड़ता है तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। चाकू से चाकुओं, मक्खी से मक्खियां,
दवाई से दवाइयां और कली से कलियां। अरे भाई, की और की को कैसे भुलाया जा सकता है। बच्चे इसके प्रयोग में तो बिल्कुल मनमानी करते हैं, लेकिन जब उन्हें बताया जाए कि की का प्रयोग संबंध रूप में होता है और की एक योजक है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। अब बारी है विभक्ति चिन्हों की, कब जोड़कर लिखें कब अलग। संज्ञा के बाद विभक्ति चिन्ह अलग से ही लिखा जाएगा मेज पर, लेकिन सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाएगा हमने, उसको, मुझको आदि। हाँ, कभी कभी सर्वनाम के बाद दो विभक्ति चिन्ह एक साथ आ जाते हैं, तो दोनों को मिलाकर लिखें क्या? नहीं, ऐसी स्थिति में पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे उसके लिए, हम में से। मुझे मालूम है कभी कभी एक अन्य स्थिति भी होती है, आप उसके बारे में ही सोच रहे हैं ना। यदि सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह के बीच में कोई निपात ही एक आदि आ जाए तो अलग अलग ही लिखा जाएगा। जैसे आप ही से, तुम्हारे ही लिए। हाँ, ये हैं छोटी छोटी बातें, यदि इनकी सही जानकारी हमें हो तो बच्चे भी ठीक से सीख पाएंगे। अब लगे हाथ क्रिया की बात भी कर लें। कभी कभी क्रियाएं भी तो एक से ज्यादा होती हैं। क्या सभी क्रियाओं को एक साथ मिलाकर लिखें? नहीं, संयुक्त क्रिया को अलग अलग लिखा जाता है। गिर गया, सोया रह, रह लिया होगा। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया के साथ मिलाकर ही लिखा जाना चाहिए। पढ़कर, सोकर, साथ, तक, तो, श्री, जी, भी आदि अव्यय शब्दों से अलग ही लिखे जाने चाहिए। आपके साथ, उस तक से, उसे तो, श्री दिनेश जी, तुम भी। अब बात करते हैं हिंदी की उदारता की। भाषा में उदारता रहे तो उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचते देर नहीं लगती। ये भाषा के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि दूसरी भाषाओं के शब्द उदारता से ग्रहण किए जाएं। हिंदी ने अंग्रेजी, अरबी और फारसी के कई शब्द ले लिए, उनका हिंदीकरण भी हो गया। जैसे कलम, खत, बाग, इनका वास्तविक रूप था कलम, खत, बाग। अब हिंदी में क, ख, ग वाले शब्दों में नुक्ते का प्रयोग नहीं होता, परंतु ज और फ के नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जरूरी भी है अर्थ की भिन्नता दर्शाने के लिए। जरा मतलब बुढ़ापा, जरा अर्थात तनिक, फन यानी सांप का फन, और फन गुण, कौशल। अब देखिए वे शब्द जिन्हें अक्सर अशुद्ध लिखा जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लेखन में प्रायः अशुद्धि होती है, देखें वे कौन से हैं और कहां गलती होती है। उज्ज्वल, प्रतीक्षा, प्रतिज्ञा, परीक्षा, क्योंकि, घंटा, आशीर्वाद, चाहिए, दवाइयां। उज्ज्वल में दोनों ज स्वर रहित यानी आधे होते हैं, लेकिन अन्य द्वित्व व्यंजनों की तरह लिख लिया जाता है। लेकिन उज्ज्वल ऐसा शब्द है जहां दोनों ज बिना स्वर के ही आते हैं। प्रतीक्षा में अशुद्ध उच्चारण के कारण त में छोटी ई की मात्रा की गलती होती है, और प्रतिज्ञा में छोटी ई की जगह बड़ी ई का प्रयोग अज्ञानता के कारण कर लिया जाता है। परीक्षा और क्योंकि में मात्रा की ही अशुद्धि प्रायः देखने में आती है। घंटा में तो वही नासिक्य व्यंजन अर्थात पंचम वर्ण की जानकारी न होने के कारण न ट लिखा जाता है। आशीर्वाद में रेफ को ठीक स्थान पर नहीं लगाया जाता, कभी कभी चाहिए का बहुवचन चाहिए का प्रयोग कर दिया जाता है, जबकि चाहिए का बहुवचन रूप होता ही नहीं।
दवाई शब्द के कारण दवाइयां लिखते समय भी बड़ी ई का प्रयोग कर लिया जाता है। श्रीमती में भी बड़ी ई है भाई, उसे छोटा क्यों बना दिया जी? तो देखा आपने, कुल मिलाकर 10-15 शब्दों की अशुद्धियां ही होती हैं। बस थोड़ी जानकारी हो तो इनसे बच निकलना कुछ मुश्किल नहीं। तो देखा आपने, बच्चे गलतियाँ करते हैं लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराते जाते हैं, तो इसलिए कुल मिला के उनकी अशुद्धियाँ बहुत कम होती हैं, 10 या 12। लेकिन पुनरावृत्ति के कारण हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत गलतियाँ करते हैं, और हम अक्सर कहते हैं कि इतनी गलतियाँ करते हैं, लेकिन सत्य ये नहीं है। इसलिए हम अपने यहाँ क्या करते हैं, जब बच्चे की कोई कॉपी या पेपर जाँचते हैं तो उसमें उसकी अशुद्धियों को हम नोट करते चले जाते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन सी अशुद्धियाँ बच्चे बार बार कर रहे हैं, और उसको अलग समूहों में बांट के कि जैसे मात्रा वाली अशुद्धियाँ हैं, रा की अशुद्धि है, या बच्चे को की लिखना नहीं आता है और की में फ़र्क करना नहीं आता है। जब भी हम कक्षा में जाते हैं तो उनको पहले से हम बातचीत कर लेते हैं कि ये एक डिक्टेशन नहीं है, श्रुतलेख नहीं है, लेकिन आप जब उन्हें पता है कि हम अपनी अशुद्धियाँ सुधारना चाहते हैं तो फिर वो तैयार रहते हैं कॉपी खोल के, और हम सिर्फ 4 अशुद्धियाँ उनकी बोलते हैं, वो उन्हें अपने मार्जिन में लिखते हैं। उसका कारण है कि जब जब कॉपी खोलते हैं मार्जिन में उनकी नज़र जाती है और वो उसे देख सकते हैं कि ये मैंने कभी अशुद्धि की थी और अब होती है या नहीं। तो इसलिए वो मार्जिन में लिखने के बाद हम लोग उसके सही रूप ब्लैक बोर्ड के कोने में लिख देते हैं। कोने में इसलिए कि वो पूरा दिन वहाँ पर लिखे रहते हैं, बच्चे बार बार बच्चे की नज़र उस पर जाती है और उसकी एक तस्वीर उसके दिमाग में फिट हो जाती है सही वर्तनी की। तो जब बच्चा अगली बार लिखता है तो कहीं ज़्यादातर बच्चे ऐसे 1 या 2 बार में अपनी अशुद्धि को सुधार लेते हैं। तो इस तरह से एक साल बीतते बीतते लगभग सभी अशुद्धियाँ उसकी खत्म हो जाती हैं, और अगली कक्षा में आने पर हम देखते हैं कि बच्चों में वर्तनी के बारे में काफ़ी समझ पैदा हो जाती है और अशुद्धियाँ काफ़ी कम रह जाती हैं। चलिए सब अपनी कॉपी निकालिए और आज के शब्द लिखेंगे, उज्ज्वल, क्योंकि, श्रीमती, परीक्षाएं। अब देखेंगे कि कहां हम गलती कर लेते हैं कभी कभी। उज्ज्वल ये एक ऐसा शब्द है जिसमें दोनों जो आधे होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी प्रायः अशुद्धि क्या होती है, काम में आप बड़ी की मात्रा लगा देते हैं जबकि छोटी की मात्रा होती है, और फिर श्रीमती, श्रीमती में भी ई की मात्रा अशुद्धि करते हैं आप, ज़्यादातर श्री में तो ठीक लगाते हैं लेकिन मति में त में छोटी लगाते हैं, जबकि होनी क्या चाहिए, बड़ी ई। और इसके बाद परीक्षाएं, इसमें भी ई की मात्रा की अशुद्धि होती है, र में छोटी कर देते हो जबकि र में हमेशा बड़ी होती है। और मज़े की बात है कि जब परीक्षा लिखते हो तब ठीक लिखते हो, परीक्षाएं लिखते ही उसको छोटी कर देते हो, वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये आपको हमेशा अपनी अशुद्धियों के बारे में ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो आप में से किसके सारे शब्द ठीक है आज? अरे वाह, आप तो काफ़ी लोगों के ठीक होने लगे।